الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى अल सैदन महमदुमबारिक वसलम रहमत के आज के इस प्रोग्राम में हम रमज़ान में फ़िक्र कबूलीत के ऊपर बात करेंगे कि हमें जो है रमज़ान अल्लाह रब्ज़त ने अता फरमाया और रमज़ान जो है वो उसका मकसद है तक इंसान को तकवा हासिल हो जाए पाकिज़ी हासिल हो जाए और अल्लाह रबुजत ने फ़रमाया इन नमाज तकबल्ब मिनमुतिन कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के अमाल को कबूल फरमाता है और ये अब एक अनवान हमारी समझ में आ गया कि कबूलियत और चीज़ है और काबिलियत एक और चीज़ है ये दो मुख्तलफ़ चीज़ें हैं नाम मिलते जुलते हैं इसलिए इस बात इस मजमून को समझने की ज़रूरत है क्योंकि इंसान जो है बाद धोखे में आ जाता है काबिलियत कहते हैं कि इस का होना सिफात का होना कमाल का होना जैसे हसन जमाल इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाया जो भी देखता है कहते हैं वाह वाह सुबह अल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं तो भाई ये सब जो है काबिलियत है इसी तरह दीनी अतबार से एक आदमी परहेजगार है इबादत गुजार है हाफिज़ क़ुरान है अच्छा कारी है और जो है अच्छा वाइज है खतीब है और जो है लोग उसको जो है बड़ी इज़्ज़त और बड़ी महब्बत से पेश आते हैं बहुत तो उसको जो है सराहाते हैं और उसके बयानात और उसके जो है ये सब कमालात हैं उसके और ये सारे उसकी खसूसियात जिसे काबिलियत कहते हैं बड़ा इलम वाला है और ये सब चीज़ जो है उसके अंदर जो है मौजूद है लेकिन क्या उसकी कबूलियत भी है कि नहीं है क्योंकि कबूलीत जो है वो कहते हैं कि चीज़ पसंद आ जाए और ये जो है हमने इबादत की हम अच्छे कारी बने हाफिज बने हमने जो है बड़े बड़े मजमों को हैरान करके रख दिया बड़े ज़बरदस्त ख़तीब कहलाए लेकिन क्या अल्लाह के यहाँ कबूल भी हुए या ना हुए तो इसलिए अब रमज़ान का महीना आ रहा है और रमज़ान के महीने में इंसान डट के इबादत करता है सब लोग इबादत करते हैं जिस तरह जो है हर अमल से पहले नीयत की दुरुस्तगी बेहद ज़रूरी है लिहाजा रमज़ान की तैयारी में भाई हमने लिलाहियत के साथ ये सारे काम करने हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए ये बड़े थोड़े से दिन हैं एक महीना जिसमें पहला दूसरा तीसरा अशर जिसमें अल्लाह ताला जो है रहमत बरसाते हैं मफ़रत करते हैं जहन्म से रिहाई अता करते हैं और हम सब ये चाहते हैं रमज़ान का मकसद कि हम जो है तकवे को हासिल करें और तकवे के लिए हम ज़ाहरी भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से दूर रहते हैं और उसके साथ साथ सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं तो ये है रमज़ान और रमज़ान की प्रैक्टिस अब इस सारी चीज़ को करने के बाद अगली बात आती है कि क्या अल्लाह ताला इस सारी मेहनत को कबूल फ़रमाएंगे कि नहीं कबूल फ़रमाएंगे भाई अल्लाह ताला तो बेनियाज है और इंसान जो है या यूहन्नास अंतम्लफ़रा इंसान महताज है मंगता है और अल्लाह ताला उसको अता करते हैं वो बहुत रहीम है बहुत करीम है हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीदें हैं अल्लाह सत्तारी फरमाते हैं कभी भी अल्लाह ताली से मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि मायूसी बुरी चीज़ है अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं लेकिन हाँ फ़िक्र तो होनी चाहिए जिस तरह एक तलब इलम जो है वो अगर तालीम में बहुत अच्छा है इम्तहान तो इम्तहान होता है फिर भी उसके लिए फ़िक्र की बात होती है वो इस बात को ज़रूर सोचता है कि नाकामी ना हो जाए और ऐसा भी देखा कि बहुत कामयाब बच्चे होते हैं कोई ऐसी हालात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि एन इम्तान के दिनों में या तो उनकी यादाश्त चली गई या कोई बीमारी आ गई या कोई घर में परेशानी आ गई कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सबको अपनी मान में रखे सारी काबिलियत होने के बावजूद वो इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं है जी और या फिर बाज़ात ये भी होता है कि दौरान इम्तहान टेंशन इतनी हो जाती है कि टेंशन की वजह से अब ये बच्चे जो है वो परफॉमेंस अच्छी नहीं कर सकते बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस का भी प्रॉब्लम होता है तो भाई कोई भी सूरत हाल बन सकती है तो अब अगर ऐसा हो जाए तो इम्तहान तो फेल हो जाएगा इसलिए हमने देखा नेक लोग भी इस बात की फ़िक्र करते हैं ईमान वालों को भी चाहिए कि इस बात की फ़िक्र करें और ये एक मिसाल से बात को समझें अजाजील जिसे शैतान कहा जाता है जिसने चप्पे चप्पे पर ज़मीन के इबादत की और अल्लाह ताला ने इसको ताउस मलाइक़ा का जो है ख़िताब लकब मिला और जो है इसके पास अलम भी था अमल भी था और जो है ये फरिश्तों से भी बाजी ले जा चुका था मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको एक सजदा करने का हुक्म दिया आदम अलैहि सलाम को तो इसने इनकार कर दिया और अल्लाह ने पूछा तुमने किस बात पर इनकार किया कहते अन खैर उमिन हो मैं तो इससे बेहतर हूँ खलक तनी मिन नार मिन तुमतीन आपने मुझे आग से पैदा किया आग की बुलंदी पे जाने वाली चीज़ है और मिट्टी जो है वो नीचे गिरती है वो जो है कमतर है यानी अपने आप को बड़ा कहा बड़ा समझा जैसे अगर रमज़ान के अंदर कोई बंदा ये समझे मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ मैंने इतकाफ़ भी किया मैंने कदर की इबादत भी की मैंने सारा रमज़ान भी बड़े शौक से और जो है दिन में रोजे रात को तरावी और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए और लोगों ने वाह वाह भी की भाई अल्लाह फिर भी नाराज़ हो सकते हैं जिस तरह जो है शैतान आबिद भी था, थालिम भी था लेकिन अल्लाह नाराज हुए और अल्लाह ने फरमाया फ़खर जुमिन हाफ़ इन्न का रजीम जो है पस तू मेरे दरबार से दफ़ा हो जा तो मरदूद है ना इस वक्त शैतान ने कहा अच्छा अल्लाह आपने मुझे दूर कर दिया माफ़ी नहीं मांगी अकड़ गया बल्कि कहने लगा रबी अंदरनी यु बसून कि अल्लाह आप मुझे जो है क़्यामत तक की मोहलत दे दीजिए मैं साबित करूँगा कि इंसान बुरा और मैं अच्छा अल्लाह ने फरमाया इन कमिनल कमिनमंजर और जो तो है तुझे क़्यामत तक की मोहलत मिल गई और साथ ही साथ फिटकार मिली व इन आलैक लात अलाद्दीन अल्लाह ने फरमाया तुझे तुझ पर क़्यामत तक के जो है ना लानत बरसती रहेगी अब ये क्या है ये अल्लाह की नामंजूरी की निशानी है अल्लाह ने नामंजूर कर दिया उसको नापसंद कर दिया तो इस मिसाल से हम सब को इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सारा इबादत सारे इलम सारे जो है अच्छे कामों के बावजूद रद्द कर सकते हैं रमज़ान का महीना अवामी महीना है ये महीना ऐसा है जिसमें रहमतें बरसती हैं मफ़रत होती है जहन्नम से रिहाई मिलती है और अगर इस सारी चीज़ में हमें ये सब चीज़ ना मिला तो फिर हमारी इबादत का क्या फ़ायदा लिहाजा अभी से दुआएँ मांगना अफज़ारी करना अल्लाह ताला से और जो है फ़िक्र करना ये बेहद ज़रूरी है कबूलीत के लिए एक और मिसाल से बात सुनते हैं कि फेउन बे आऊन जो वक्त का बहुत बड़ा ालिम और जाबर बादशाह था अल्लाह रबुल्ज़त ने हज़रत मूसम हज़रत हारून उनको कहा कि इसके पास जाएं अल्सा अलाफ और इन इन्ना हो तवा क्योंकि वो बड़ा सरकश हो चुका है अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है ताकतवर है और उसने बनी इसराइल के बच्चों को जिबा किया हुआ है सौ साल की इसकी उम्र थी सेहत थी इसके पास और इसके पास ख़जाने थे इतने कि सारा मुल्क इसकी मर्ज़ी पे चलता था कुरान कहता है अलह सलीम मुल्क मिस्रवाहा हिलहार व तहती तो ये फिरौन क्या कहता था कि ये क्या ये मुल्क मेरा मिस्र मुल्क मेरा नहीं है और क्या ये नहरें मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं बह रही आप देखें अल्लाह ताला ने उसको इतना कुछ दिया हुआ था आपाशी का एक निज़ाम बनाया हुआ था कितनी काबिलियत होगी और वो जो है इस तरह से जो है अकड़ गया इस बात पर कि मेरे पास काबिलियत है उसको ये फिक्र न लगी कि कबूल भी हो जाऊं और उसने बहुत देर कर दी हती कि एक वक्त आया जब यह पानी में डूबने लगा तो डूबते डूबते इसको एहसास हुआ और कहने लगा कि मैं रब मूसा और हारून पर ईमान लाता हूँ लेकिन इस वक्त जो है हजरबूल ने जवाब दिया अल आन अब ईमान लाए हो इत देर हो गई अब तो देर हो गई बहुत देर हो गई, देर हो गई इस टू लेट है जी तो इस पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है जी अल्लाह ताला माफ़ करे सारी काबिलियत सारी चीज़ होने के बावजूद कबूलियत हासिल ना हो सकी इसी तरह नबी अकरम वसल्लम का एक फ़िरौन जो है उमर इब्ने हशाम जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल कहा यह बहुत अकड़ता था अपने आप को बड़ा दाना समझता था और इसके इस दौर में ए, जो है उमर इबन ख़त्ताब जो हैं वो अपने आप को उम्र निकलवा सकते थे क्योंकि उम्र जो है बड़ा होने का एक है नाम के अंदर वो अपने आप को उमेर कहते थे क्योंकि अबू जहल उनको इजाज़त नहीं देता था ये इसमें तस्वीर है यानी छोटा करके उम्र को अगर छोटा लफ्ज़ों में कहा जाए तो फिर इसको उमेर कहेंगे तो वो अपने आप को उमेर कहवाते थे क्या करें क्योंकि अबू जहल इस बात की इजाज़त नहीं देता था लोग अबू जहल को अबुल हकम कहते थे कि दानाओं का बाप स्कॉलर कहलाता था हर चीज़ का सलूशन इसके पास होता था इतनी हमतें जानता था जैसे आप ये समझें कि वो अकाउंटेंट भी है और वो जो है अटर्नी भी है डॉक्टर भी है वो कंस्ट्रक्शन के कामों को भी जानता है हर किस्म का ऑल राउंडर हर चीज़ जो भी उससे पूछी जाए उसका जवाब वो दे सकता था कुरश ने उनको अपना सरदार माना हुआ था और जो है लेकिन इसने ईमान नहीं लाया नबी वसल्लम को नहीं माना इसलिए नबी वसल्लम ने इसको अबू जहल कह दिया कि इतना बेवकूफ़ है इसकी अकल किसी काम की भी नहीं है कि इसको जो है समझ ही नहीं आई कि अल्लाह का नबी आ चुका है और कुरान नाजिल हो रहा है और ये करीब तरीन वाला है अगर ये इस्लाम कबूल कर लेता तो आज इसको कितनी इज़्ज़त होती कितनी इसके बढ़ाई होती इसी तरह एक और सरदार था उसका नाम था वलीद पलीद वो भी बड़ा फ़ख्र करता था और बारह बेटे थे उसके और अल्लाह इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बड़े अजीब अंदाज से गुस्से का इजहार किया कहा ज़रनी वमन हलत वहीदा के मुझे और इसे छोड़िए जो अपने आप को वही तो वज़मा समझता है बड़ी चीज़ समझता है अल्लाह फरमाते हैं वजह आलतलहू मालम ममदूदा और हमने तो इसको माल बढ़ने वाला दिया हुआ है व नीन और बेटे हाजिर रहने वाले जो उसकी खिदमत करते हैं ये जब बेटों में बैठता था बड़ा करता था कि मेरे बारह बेटे हैं और जो है बड़ी शान वाला हूँ व वा मह तो लहू तम ही और कहता है कि अल्लाह ताला ने इसको हर सामान दिया हुआ था यानी ज़िंदगी को गुजारने का और बड़े बनने का ऐश करने का और जो है लेकिन ईमान से अल्लाह ने महरूम कर दिया इसलिए कि यह अकड़ता था अल्लाह के यहाँ नामदूद हो गया ये अपने आप को क्रैश का सरदार कहता था और ख़ुद अपने आप को कहता था मैं शायर हूँ और कलाम व बयान को समझने वाला हूँ है जी अब कुरान नाजल हुआ कुरान जब नाजल हुआ तो लोग इसके पास आए पूछा कि भाई क्या ये कैसा कलाम है तुम तो बड़े फसी हो जबान हो और तुम तो बड़ा कुछ जानते हो तो ये, ये क्या शायरी है तो अब यह कहता है नहीं भाई शायरी तो नहीं है क्योंकि अशार के जो रमज़ होते हैं जो उसके असूल होते हैं उसके मुताबिक तो उससे शान से बुलंद है ये तो फिर ये क्या है क्या ये नबी दीवानगी में ऐसी बात कह रहे हैं है जी तो अब ये भी बात नहीं समझ में आ रही कि ये क्या चीज़ है कि ये दीवानगी है तो अब जब लोगों ने इसको ज़रा जो है फ़ोर्स किया कि भाई हमें कुछ बताओ तो सही तुम तो इतनी ज़बान के ऊपर बात करते हो और बड़ा अपने आप को फख्र करते हो बड़ी चीज़ समझते हो तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है तो इस बेवकूफ़ ने ऐसी शक्ल बनाई ऐसे बैठ गया जैसे बड़ा सोच रहा है सोचने कि कुछ देर के बाद फिर कहते हैं कि ये तो पहले से पहले वालों से नकल की हुई बातें हैं, हैंातिर जैसे कहा जाता है और जो है ये तो कोई जादू लगता है जो पहले वाले लोगों से आया कुरान मजीद में इसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फक्र वक़द्दर के बेशक उसने सोचा और अंदाजा लगाया है ना ऐसे अंदाज बनाया उसने फकोतिला कैफ़ा कद्दर और कैसा इस बदबख्त ने अंदाज़ा लगाया कुरान को मानने की बजाय उल्टा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो ये देखें अब यह है अल्लाह ताला के हाँ कबूलियत नहीं हुई कितनी बदब्ती वाली बात है इसी तरह एक बहुत जल्दी से आपको एक मिसाल और भी बता देता हूँ दो भाई थे एक का नाम था फजल और एक का नाम था फैजी ये बड़े आलिम थे और इन्होंने जो है बड़ी जो है तफसर लिखी और बग़ैर नुक़ों वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जैसे बा है ता है सा है जीम है इनके अंदर नुकते होते हैं इन्होंने ऐसे अल्फ इस्तेमाल किए कि जिसमें कोई नुकता ना हो अब ये कितना मुश्किल हो गया कि तफसर लिखना खुद इतने मुश्किल काम ऊपर से जो है बे तफसीर लिखना कितना मुश्किल काम अब जो है इन्होंने क्या किया इनके पास ऐसी काबिलियत थी कि अबुल फजल जो बड़ा भाई था अगर दो मरतबा कोई बात सुनता तो इसको याद हो जाती छोटा भाई जो है फैज़ी वो अगर एक मरतबा सुनता तो इसको याद हो जाती वो बात अगर कोई शायर आता और बादशाह से इनाम लेना चाहता और अपने अशार सुनाता तो ये जो है एक भाई फैजी कहते ये तो मैंने मैं लिखे हुए हैं और भाई जो है वो क्योंकि दूसरी मरतबा फिर सुनता क्योंकि फैजी फटाफट फट फर फर सुना देता बादशाह को कहता कि तो मेरा कलाम है तो भाई दूसरा तस्दीक करता हाँ मैंने भी इसे सुना हुआ है और ये जो है इसका ही कलाम है और आप अंदाज़ा करें कि ये दोनों इतने, इतने इलम फजल वाले लेकिन इन्हीं इन्होंने ही बादशाह को तज़ीमी सजदा करने की शरी इजाजत दी और लोगों को यह फतवा दिया और यह हजरत मुजदानी रम ला के मुखालफत की इन्होंने और उनको जेल तक पहुँचाने में इन्होंने काविश की अब ये इनकी बदबती है एक तरफ से तफसीर लिख रहे हैं और दूसरी तरफ से इस तरह से रसवा हो रहे हैं अल्लाह ताला महफूज फरमाए रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है हमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं हम कोशिश करेंगे अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे अल्लाह ताली जो है हमें इबादत की तोफ़ी का ताफ़रमा दे और हम जो है अल्लाह से बख्शिश मांग के इस रमज़ान की तकमील करें और जब ईद आए तो सईद बन जाए जहाँ काबिलियत चाहिए वहाँ कबूलियत ज़रूर चाहिए काबिलियत सिर्फ काफ़ी नहीं होगी आप चाहे जितना अच्छा भी रमज़ान गुजारेंगे जितनी ज़्यादा इबादत कर लेंगे उसके साथ साथ दुआ मांगना आहज़ारी करना अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ाना कि या अल्लाह इसको कबूल भी कर लीजिए आइए अब हम जो कबूलियत जिनकी हुई जिनका जिक्र क़ुरान मजीद में भी हुआ उनके मतलक कुछ मिसालें समझते हैं कि सैद इब्राहिम इस्लाम को कबूलियत की फ़िक्र थी वो घर बना रहे थे अल्लाह ताला का आप अंदाज़ा करें अल्लाह के हुक्म से घर बनाया जा रहा है और जो है इस्लाम की गाइडेंस में बनाया जा रहा है उसके बावजूद इब्राहिम इस्लाम को इस बात की फ़िक्र है वह कहते हैं वर्फ व इब्राहीमीनबैत व इसमाइल इसमायल आम भी हज़रत इब्राहिम इस्लाम की मदद कर रहे हैं रब्बाना तकबल मन्ना और ये दोनों मिल के दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह कबूल फ़रमाइए इन्ना का अन तस्मी आप जानते और सुनते हैं तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी बात है कि बंदा मस्जिद बना रहा है और मस्जिद भी नहीं बल्कि बेतुल्ला बना रहा है मस्जिदों से बढ़कर सबसे बड़ी मस्जिद बना रहा है अल्लाह का घर अल्लाह के हुक्म से बना रहा है और उसको फिक्र है कि अल्लाह इसको कबूल भी कर लीजिए और अल्लाह के का जो है प्यारा मुकर्रब फरिश्ता भी साथ मदद कर रहा है हम क्या इबादत करेंगे अगर हम कोई बैरात कर रहे हैं अगर हम कोई जो है आ, इबादत कर रहे हैं अगर हम कोई मस्जिद बना रहे हैं अगर हम रमज़ान में लोगों को अफतारियाँ करवा रहे हैं जो भी इबादत हम कर लेंगे लेकिन भाई ये सिचुएशन तो हमारे साथ फिर भी नहीं हो सकती हमें क्यों नहीं फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह हमारे रमज़ान को भी कबूल फ़रमा लीजिए जब अल्लाह तब्राही इस्लाम की इस तरह दुआ मांगने को कबूल फ़रमा लिया तो फरमाया वब्ब तला इब्राहिम रबुहबी कलीमातिनफ़ा आत्तम कि जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आज़माया जैसे कि बैतुल्ल बनाना उनमें से एक क़ाल इमामा तो अल्लाह ताला ने फिर ये बात का ऐलान कर दिया कि हम उनको जो है इंसानों का इमाम बनाएंगे क्योंकि वो जब आजमाए गए और उस पर पूरे पूरे उतरे अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इब्राहिम खलील हैं तो आजमाने की क्या ज़रूरत भाई अम्बिया को जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई अल्लाह ताला उनके ज़रिए से मखलूक को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम भी आजमाए जाओगे भूख से आजमाए जाते हो तुम्हें कभी जो है खौफ से आज़माए जाते हो कभी तुम्हारे नुकसान हो जाता है कभी तुम्हें फ़ायदे मिलते हैं हैं जी कभी इनाम मिलेंगे कभी गुनाह कर बैठोगे कभी निकियाँ करोगे कभी हज पर जाओगे कभी जो है मखलूक के जो है उनको नाराज़ कर बैठोगे तो भाई ये आजमाइश है अब तुम इसमें क्या करते हो जब गलती हो जाए तो माफ़ी मांगनी है जब अच्छे काम करने हैं तो कबूलियत की फिक्र करनी है तो इब्राहिम इस्लाम ने भी ऐसे ही किया अल्लाह ने उनको कबूल फ़रमा लिया और कुरान मजीद में अल्लाह तरमायाब्राहिम इब्राहिम का ना उम्मा वो तो एक उम्मत हैं यानी इतनी सिर्फ पर्सनालिटी हैं अल्लाह ताला ने उनको जो है एक उम्मा कहा और जो है उनके बारे में जो खसूसियातें अल्लाह हैं कौन तन हनीफ़ा वो सबसे ज़्यादा यकसू होकर अल्लाह के अल्लाह के फ़र्माबरदार थे यानी सबसे से यकसू होकर वो अल्लाह की जो है फर्माबरदारी में लगे हुए थे वलम यकूँ मिनलमशरक और शिरक़ से बिल्कुल पाक थे है जी और शाहकिरल लमी और जो है शुक्र करने वाले थे और इसी तरह आगे फरमाया अल्लाह ताला ने उन्हें पसंद फरमा लिया और इनको सीधा रास्ता दिखा दिया और हमने इनको दुनिया में भलाई अता कर दी और आख़रत में भी अच्छे लोगों में में से हैं महबूब आखर में बात आ रही है आप अंदाज़ा करें सोहैना अनित बहमिल्लता इब्राहिम हनीफ़ा अल्लाह त अपने महबूब हज़रत महमद्ला वसम जो सैदुल्बियाँ हैं और उनसे भी कहा कि आप इस्लाम की जो मिलत है उसकी पैरवाई करेंगे यानी इस इस अतबार से हम उम्मत महमदी और मिलत इब्राहिमी बन गए सुबहानल्ला कितनी बड़ी बात है ये अल्लाह की पसंद जब आ जाती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है तो मालूम हुआ कि जिसको फ़िक्र होती है क़बूलीत की अल्लाह उसको जब कबूल फरमा लेते हैं तो तब अल्लाह उस को जो है शान अता फ़रमाते हैं अल्लाह उसके अमाल को कबूल फ़रमाते हैं अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी फिर जमाते हैं आख़रत में भी अल्लाह ताला फिर उसको अजर अता फरमाते हैं तो ये सारी चीज़ जो है फ़िक्र कबूलियत है और रमज़ान इबादत का महीना है और इस महीने में हमें फ़िक्र कबूलीत साथ, साथ ये जो है अब चलनी चाहिए ताकि रोज़े भी रख रहे हैं और फ़िक्र भी हो अल्लाह आज हमारा रोज़ा कबूल कर लीजिए है।, है ना अफ्तारी के वक्त कबूलियत की दुआ मांगनी चाहिए मैं सारा दिन भूखा प्यासा रहा अल्लाह आप कबूल कर लीजिए अच्छा इसी तरह सैरी के वक्त भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मैं आपके लिए आप के हुम के मुताबिक रोज़ा रख रहा हूँ सैरी कर रहा हूँ इस वक्त मैं उठा खाना खाया मैंने और जो है मैंने रोज़ा रख लिया है जी तो अब अल्लाह इसको कबूल कर लीजिए और सारा दिन मेरे लिए आसान भी कर दीजिए ताकि कोई ऐसी गैबी तकलीफ़ ना आ जाए परेशानी ना आ जाए और भुख और प्यास मुझे तंग ना कर दे तो भाई साथ, साथ दुआ और साथ साथ आहुजारी ये सब चीज़ चलती रहेगी तो अल्लाह ताली अब इस रमज़ान को अफ़ीत के साथ उसकी तकमील करवाएंगे इसी तरह एक और मिसाल हज़रत इमरान जो एक पैगम्बर गुजरे और उनकी बीवी हामला हुई और उनके यहाँ जो है जब उम्मीद से लगी तो उनको फ़िक्र लाक हो गई कि अब मेरे यहाँ जो है औलाद हो रही है और अल्लाह अब इस दुआ दुआ कर रही हैं कि अल्लाह जो है ये जो अब मुझे औलाद मिलेगी इसको आप कबूल फ़रमा लीजिए नेक बना लीजिए नेक माँ बाप को अक्सर इस बात की फ़िक्र होती है कि अल्लाह हमें औलाद भी दे नेक औलाद दे और उनसे नेकी के काम भी ले इसी तरह ये भी कहती हैं इज़ाल तम तो इमरान रब इन्नी नज़र तो लक माफी बतन हर रन फ़त कब्बल मिन्नी के जब इमरान अमाम की बीवी ने कहा ए मेरे रब जो मेरे पेट में है इसे तेरे लिए खास कर दिया यानी दुआ कर रही है अल्लाह मैंने बड़ा खास किया इसको बस आप इसे मुझसे कबूल फरमा लीजिए तो उनको मालूम है मैं खास कर दूँगी जैसे हम कहते हैं अल्लाह मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहता हूँ भाई हाफिज तो ठीक है आपने इरादा कर लिया क्या वो हिफ्स कर लेगा और हाफज़ बन जाएगा क्या इसके हिफ्स की आगे जो है फिर कबूलियत भी होगी कि नहीं होगी अल्लाह इसको कबूल भी कर लीजिए है ना आलिम बना दीजिए है ये फना का, काबिलियत इसको अता फ़रमा दीजिए लेकिन साथ ही साथ कबूलियत का भी फ़िक्र इनको लाक होती है और अल्लाह फरमाते हैं फतबल हा रब हा बेकबूल हसन वम बतहा नबातन हसना सुबहान अल्लाह फिर उसके रब ने उसे अच्छी तरह से कबूल किया जब उन्होंने ये दुआ मांगी अल्लाह कबूल कर लीजिए तो अल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से कबूल किया और अच्छे तरीके से उसको बढ़ाया है जी आप सब जानते हैं बीबी मरीम को अल्लाह ताला ने कैसे इज़्ज़त अता फ़रमाई और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी नशो नुमा करवाई और किस तरह वो इबादत में लगी हुई थी और फिर उनके बतन से अल्लाह ताला, ताला ने हज़रत ईसा अलैहि सलाम को पैदा फ़रमाया अल्लाह ताला, ताला कुरान मजीद में फ़रमाते या मरियम इन लातफ़ा की व तारा की वतफ़ा की आला निसआलमीन ए मरियम अल्लाह ताला ने तुझे अपने लिए चुन लिया और तुझे पाकिज़ा कर दिया और तुझे दोनों जहानों में औरतों पर एक ख़ास मकाम अता कर दिया अब ये क्या है ये कबूलियत है भाई अगर हमारी समझ में ये बात आ जाए तो आज के बाद हम अपनी कबूलियत के बारे में हर वक्त फिक्रमंद होंगे नमाज पढ़ के कोई हमने अल्लाह पर एहसान नहीं किया कि भूखे पैसे रह कर रोज़ा रख कर हमने कोई अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया हमने जक़ात दे के गरीबों पर कोई एहसान नहीं किया हम हज करके आ गए अल्लाह का घर देख के आ गए तो भाई इसके साथ हमें कोई फ़ख्र आ जाए और हम अपने आप को बढ़िया समझना शुरू कर दें तो भई ये कोई ऐसी बात नहीं है इसकी से बड़ी बात यह है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला इसको कबूल कर रहे हैं ऐसा ना हो कि ढेरों इबादत हो और सारे के सारी इनवैलिड हो जाए जैसे जो है किसी के पास जो है पैसे हों और वो नकली नोट हों तो नकली इबादत बन जाए वो अल्लाह के यहाँ अगर कबूल ना हुई तो नकली हो गई हमने तो अपनी तरफ से बड़ी असली समझ के की, की लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ कबूल ना हुई तो फिर आप देखो वो नकली बन गई अब अहादीस के अंदर आप देखें सहा सत्ता है जी अहदीस की किताबें हैं और सारी बड़ी मकाम वाली हैं लेकिन इन सब के अंदर जो है बहार शरीफ को जो कबूलियत हासिल हुई है सुबह अल्लाह उस ही कुछ और है जी अगर कोई भी हदीस को पेश करता है लोग झट से पूछते हैं कि भाई ये क्या बुहारी की हदीस है तो भाई इसके अलावा भी तो अदीस है ए, इमाम मालिक राम ने भी जो है मत इमाम मालिक जो है वो लिखी और सारी बड़ी पक्की मुस्ंद अदीस उसमें जमा की इसीलिए मुस्लिम शरीफ भी इसी तरह बड़ी पक्की पक्की हदीसें उसके अंदर मौजूद हैं बड़ी सही हदीसें है मौजूद हैं लेकिन लोग बुहारी शरीफ का नाम जो है वो पूछते हैं कि भई बहारी शरीफ में क्या ये है और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त अ फरमाई कि आज तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अमीरुल अमीरमीन फिलहदीस कहा जाता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ़ से कबूलियत है कि अल्लाह ताला ने उनको ये कबूलियत अता फरमा दी इसी तरह भाई लोग हैं बहुत सारे मदारस भी बनाते हैं मस्जिदें भी बनाते हैं लेकिन हमने देखा कि बहुत जगहों पर जो है अल्लाह ताला इतनी कबूलियत अता फरमाते हैं कि वहाँ से फैज़ आम होता है वहाँ से उनके शागिर्द बनते हैं वहाँ से लोग दीन सीखते हैं वहाँ से सीखने वाले आगे सिखाते हैं अब ये जो नेटवर्किंग वाली बात होगी नेकियों का एक नेटवर्क बन जाता है कि उस्ताद को अपने शागिर्दों का स्वबा मिलता है और शागिर्दों के शागिर्दों का स्वबा मिलता है और अगर ये कैफियत सदियों में फैल जाए जैसे दारूम देवबंद की कैफियत है कि अब देखो पूरी दुनिया में हर तरफ़ जो है इस अक़ीदे से मुतल रखने वाले और इस तर्ज पे पढ़ने वाले जो है उनका एक पूरा सिलसिला है जो सदियों में आप चल रहा है तो ये भी एक कबूलीत की निशानी है और हमें भी इस बात को समझना चाहिए और इस बात के लिए दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो है हमें जो है ऐसी कबूलीत अता फरमा दीजिए इसी तरह अब आप ये देखें कि जब हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल स्म को जिबा किया अल्लाह के ने जो उनको ख़्वाब दिखाया और हज़रत इस्माइल इस्माईस्म ने भी इसमें तावन किया और कहा बाबा आप वो करें जिसका हुक्म आपको दिया गया तो अब ये आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी आजमाइश थी कि अल्लाह ताली ख़ुद क़ुरान जिद में फरमाते हाजा लहबलामुबी बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी अब देखें पर्चे तो तलबा देते हैं है ना अगर पर्चा बनाने वाला कहे कि वाकई ये पर्चा बहुत मुश्किल था तलबा तो हमेशा कहते हैं हर इम्तहान को ही मुश्किल कहते हैं लेकिन अगर एग्ज़ामिनर जो है वो भी कहे कि ये पेपर बहुत मुश्किल था तो फिर आप अंदाज़ा करें कि वो वाकई कितना मुश्किल पेपर होगा अल्लाह रबुल्ज़त खुद फरमा रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल टेस्ट था जो अल्लाह ने जो है इब्राहिम से इस्मा स्ल्लाम से लिया और फिर जो है अल्लाह ताला ने वा रख ना अलैहि फ़िल आखरीन इस बात को फिर जो है क़्यामत तक जारी कर दिया आज तक जो है जभी किया जाता है जब भी जो है ईद ईद आती है तो ये किया जाता है इसलिए अल्ह ने कुरान मजीद में फ़रमाया सलाम इब्राहीम कितनी बड़ी बात है इब्राहिम तुझ पर सलामती हो है ना जैसे कोई कह रहा हो शाबश शाबश कितनी अच्छी कुर्बानी तुमने दी कितनी कबूलियत की ये निशानी है कितनी बड़ी बात है इसी तरह अगर आप देखें जो सई की जाती है सफ़ा और मरवा के दरमियान जहाँ भी, भी हाजरा दौड़ी थी तो ये एक अजीब वाक़ कि हज़रत इब्राहिम इस्लाम ने अपनी बीवी को ला के वहाँ पर छोड़ा नन्न इसमाइल को छोड़ दिया और बीवी वहाँ पर दौड़ती हैं और जो है अल्लाह की मदद आती है अब जब इब्राहिम उनको छोड़ के जा रहे हैं बीबी परेशान है कि इब्राहिम हमें इस ऐसी जगह पर छोड़ के जा रहे हैं जहाँ ना खाना ना पीना ना कोई इंसान ना जानवर कुछ भी तो मौजूद नहीं है यहाँ तो मौत ही मौत है बाकी क्या बचा हुआ है यहाँ लेकिन इब्राहिम ले सलाम खामोश हैं तीन दफ़ा पूछने के बाद बीबी ने पूछा कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं इब्राहिम ने सर हिला दिया तो फ़ौर रुकिंग जब अल्लाह के नाम पे छोड़ा तो अब जो है अल्लाह ही काफ़ी अल्लाह इसका जो है ज़िम्मेवार तो चुनाचा आप जानते हैं जब बीबी सात मरतबा दौड़ी तो उसने फिर देखा कि नन्ह इसमाइल के कदमों से पानी निकल रहा है अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया इनका दौड़ना अल्लाह तबूल फरमा लिया तो ये जो है कबूलीत है और फिर उसके बाद अल्लाह ने ग़ैब से भी मदद की और अल्लाह तज तक उस जगह को जो है वो शर्फ़ बख्श दिया और बीबी जिस जगह पे दौड़ी आज तक जो भी बाद में आए सब उस जगह पे दौड़े हती कि हम अल्लाह का महबूब हजरत महमद अलैहि वसल्लम भी बीबी की नकल करते हुए जैसे औरतें दौड़ती हैं उस जगह पे दौड़े हालांकि औरतों को इस चीज़ का हुक्म नहीं है कि वो वहाँ पर दौड़ें लेकिन देखो मर्दों को हुक्म दिया कि तुम दौड़ो उस तरीके से तो वहाँ जा वो खातीन की तरह दौड़ते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितना ज़बरदस्त एक, एक मिसाल है कि जब अल्लाह कबूल फ़रमा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको क़्यामत तक के लिए जारी कर देते हैं और आए और हमेशा हमेशा जो है इसका अजर और सवाब जो है बड़ों को मिलता चला जाता है अल्लाह ताला जो है हमारा भी रमज़ान ऐसा बना दे कि वो कबूल हो जाए और बकिया साल भी हम इसी तरह जब पाक और साफ हो जाए तकवा हासिल कर ले तो फिर ये नेकियां चलती रहे सारा साल कमी ना आए चुनाचे जब हम ये समझ गए कि काबिलियत और चीज़ है और कबूलियत और चीज़ है हम इस बात से भी समझ गए कि बड़ी काबिलियत रखने वाले जो है उनको कबूलियत जब हासिल ना हुई तो वह रांध दरगाह हुए अल्लाह ताला ने उनको मरदूद कर दिया जैसे शैतान को फिराउन को अबू जहल को तो भाई इसी तरह जो अल्लाह के प्यारे अम्बिया थे जैसे इब्राहिम इस्लामाम हैं हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम हैं और तमाम अम्बिया और इसी तरह साहबा कराम और अहिल बैत और फिर इसी तरह साला और जो है मशाइ और पूरे जो है तमाम हिस्ट्री इस्लाम के अंदर ममिन व ममिनत सब को इस बात की फ़िक्र लाक थी कि हमें जो है कबूलियत हासिल हो जाए जिस तरह एक ख़ातून है जो लड़की है जब उसकी शादी होती है सहेलियाँ उसको जेवर पहनाती हैं उसको मेकअप करती हैं अच्छे कपड़े पहनाती हैं वो सब कुछ कर रही होती है बड़ी ख़ूबसूरत लगती है बाराती आते हैं और वो भी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं लेकिन इसके अंदर एक फ़िक्र होती है और वो फिक्र क्या होती है कि मेरे दुल्ह मुझे पसंद करेगा कि नहीं सारी बारात उसको तारीफ़ें कर रही होती है लेकिन ये फिक्रमंद होती है कि दुल्हा मुझे कैसे देखेगा कैसे कौन से अल्फाज से मेरी तारीफ़ करेगा चुनाचे ये इंतज़ार करती है बिला आखिर जब दुल्हा इसके पास आता है और जिस प्यार से वो उसको देखता है जिस अंदाज से वो उससे बात करता है इसका दिल बाग बाग हो जाता है ये खुश हो जाती है कई ऐसे लोग होते हैं रूखे सुखे से लोग होते हैं उनको समझ ही नहीं होती कि आप किस तरह से जो है बीवी के साथ पहली मरतबा बात करनी चाहिए किस तरह से उसका दिल मोह लेना चाहिए और इस वजह से वो बेचारी औरत जो है उदास हो जाती है पहली दफ़ा ही उदास हो जाती है ना इसने चाहत का इजहार किया ना इसने मेरी तारीफ़ की ना इसको मेरे कपड़े पसंद आए मैं इतनी बनी इतनी सवरी हम ममिन हैं सारी ज़िंदगी इबादत करते रहते हैं सारी ज़िंदगी अल्लाह को मनाने की फ़िक्र करते हैं भाई जब मौत आएगी जब हम इस दुनिया से जाएंगे, अगर अल्लाह ताला ने उस वक्त हमें प्यार से देख लिया तो भाई बा दिल बाग, बाग हो जाएगा सुकून मिल जाएगा मौत की सारी तकलीफ़ जो है आसान हो जाएगी राहत मिल जाएगी और कब्र में इंसान ऐसे जाके सोएगा जैसे आज दुल्हन सो जाती है कि जनाब अब जो है इसका मियाँ इसको जगाएगा क्या का दिन आएगा अल्लाह ताला फिर बंदों को जगाएंगे कुछ लोग दाएँ तरफ खड़े होंगे कुछ बाएँ तरफ खड़े होंगे अब जो है दाएँ तरफ वालों को अल्लाह ताला नामा आमाल अता फरमाएंगे और वो कामयाबी वाला नामा आमाल होगा एप्रिसिएशन वाला नामा आमाल होगा तारीफ वाली बात होगी कामयाबी वाली चीज़ होगी अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे मम भी खुश हो जाएगा इसका दिल बाग़ बाग हो जाएगा ये अपना नामा आमाल लेगा अपने दोस्तों को दिखाएगा देखो मैंने हार्ड वर्क किया आज मुझे सर्टिफिकेट मिल गया अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया आज अल्लाह के यहाँ जो है मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया गया मैंने गलतियाँ तो की थी वो बात तो नहीं थी जैसे करनी चाहिए थी लेकिन अल्लाह ने कबूल कर लिया जिस तरह एक छोटा बच्चा कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है टेढ़ी मेढ़ी लकीरें लिख जो है बाप को ला के देता है अबू मैंने ये आपके लिए पिक्चर बनाई है अबू देखता है उसको बड़े प्यार से मुस्कराता है और बच्चे को प्यार करता है और कहते हैं हाँ मैं इसको ले लेता हूँ यानी मैं इसको कबूल कर लेता हूँ अपने पास रख लेता हूँ और बच्चे को एक टॉफी निकाल के देता है जेब से कि ये लो बेटा ये आपका इनाम है बिल्कुल इसी तरह भाई जब अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे तो इंसान इतना खुश होगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे और ये ऐसी जन्नत होगी कि जहाँ से फिर वापसी रिटर्न नहीं होगा बल्कि वहाँ की खुशियाँ हमेशा की खुशियाँ होंगी वो हमेशा वहाँ रहेगा हमेशा खुशियाँ पाएगा और जो है अल्लाह ताला का दीदार करेगा तो ये है सारी कबूलियत ये है मकसद हमारे मुबारक का जो हमारा टारगेट है जिसको हमने हासिल करना है तकवे के साथ हासिल करना है पूरी कोशिश के साथ इसको हासिल करना है पूरी मेहनत से इबादत करके इसको हासिल करना है दिन में रोज़ा रखना है रात को तरावी सुननी है कुरान पढ़ना है तस्बीहात पढ़नी है और लोगों के काम आना है खिदमत करना है सब चीज़ करते हुए साथ ही साथ फ़िक्र करनी है कि कबूल हो जाए मंजूर हो जाए अल्लाह आप इसको कबूल कर लीजिए तो भाई जिस तरह आप ये देखें आप बाज़ार में फल लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बड़े किस्म किस्म के फल पड़े होते हैं अगर वहाँ पर आप देखें आपने जो फल लेना है मसलन सेब लेने हैं आपने सेब उठा लिया ऑरेंजेस भी साथ पड़े हुए आप एक नज़र उनकी तरफ भी देखते हैं कि ये अच्छे तो लग रहे हैं औरेंज मीठे भी होंगे देखने में भी, भी बड़े फ्रेश लग रहे हैं और जो है लेकिन आप फिर उसके बाद अपना जो है चेहरा हटा के जो है एप्पल्स उठाते हैं और जो है बेतवजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं यानी आपने औरजेस को बाई नहीं किया सिर्फ एप्पल्स बाई किए औरजेस को छोड़ दिया हालांकि कोई अगर आपको वहाँ पर रोक ले और कहे जी वेट ए मिनट आप ये बताएं कि इतने अच्छे औरेंज थे आपने इनको छोड़ दिया आप कहेंगे जी मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनकी मैं नहीं मैं लेना नहीं चाहता मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है जी आपने सारे आमाल कर दिए अगर अल्लाह ताला जो है उनको पसंद ही नहीं करते तो सब बेकार हो गया है जी इसलिए भाई फ़िक्र जो है कबूलियत की ये बेहद ज़रूरी है अगर अब ये कबूलियत की फ़िक्र जो है होनी चाहिए लेकिन कबूलियत कब नहीं होती इंसान की कब अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं जैसे हमने मिसालों में से देखा शैतान की बड़ी मिसाल थी कि वो कहता है कि मैं तो बड़ा हूँ बड़ा टैलेंटेड हूँ बड़ा इबादत वाला हूँ बड़ा इलम वाला हूँ जब अना आ जाती है इंसान को अंदर या उसको नुमाइश उसके जहन में आ जाती है यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसकी नीयत ख़राब हो जाती है तो फिर अल्लाह के यहाँ कबूलियत ख़त्म हो जाती है वो मरदूद हो जाता है तो लिहाजा इस बात की फ़िक्र करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इबादत करते हुए हमारे अंदर कोई उजब वाली बात आ जाए कोई बड़ा बोल जुबान से निकल जाए भाई आप ज़ुकूत ख़रा भी तो करेंगे है जी रमज़ान शिफ़ का महीना है हर कोई मांगेगा मस्जिदों वाले भी इंतज़ार करते हैं और इसी तरह ग़रीब लोग भी इंतज़ार करते हैं और भूखे प्यासे लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप जो है अफ्तारी का प्रोग्राम करेंगे और हमें भी बुलाएंगे हमें भी खिलाएंगे है जी तो अब जो है इंसान ये समझने लग जाए कि मैं बड़ी चीज़ हूँ और मैं ये सारे काम कर रहा हूँ या अपने भाई को अपने दोस्त को समझे देखो ये तो कुछ करता ही नहीं है ऐसे अल्फाज मुँह से निकाल दें या जिसको जकवात दी अगर वो आपको फिर मिलने के लिए आता है और ज़रा मसरूफ़ है किसी वजह से देर से आया या आपके पास मजलिस में बैठ के तवज्जा नहीं दी उसने आपकी बातें नहीं सुनी अब आपको दिल में अगर ये ख्याल आ गया कि मैं तो हर साल इसको ज़क़़त देता हूँ और देखो ये कितना अकड़ खान है मेरे कितने एहसानात हैं इसके ऊपर और ये आगे से क्या कर रहा है बस आपका सारी नेकी बर्बाद हो गई आपने तो दिया अच्छे अंदाज से और और बर्बाद भी किया उससे ही बुरे अंदाज से तो भाई अब ये इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अभी से हम इसफार करें इस इस साल में या ज़िंदगी में जो भी हम गलतियाँ कर चुकी हैं जो आमाल हमने किए लेकिन क्या वो अल्लाह की शान के मुताबिक थे अगर नहीं थे तो फिक्र लगाने की ज़रूरत है है ना तो इसलिए भाई याद रखें कि हमारी सारी की सारी नमाज़ें नीचे रह जाती हैं अल्लाह बड़े शान वाले हैं अल्लाह बहुत बड़े हैं और इसीलिए जो है आ, दुआएं मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह आप कबूल फ़रमा लीजिए मा अबना का हक का इबादत अल्लाह जैसे आपका हक था वैसी इबादत ना कर सके व माफ ना का हक का मा रफ कि अल्लाह जो जिस तरह हमें आपको पहचानना चाहिए था हम उस तरह से उस बात को पहचान ही नहीं सके है ना इसलिए दुआएं मांगना रब्बना तब्बल मन्ना इन्ना का अन तसम और आलिम कि अल्लाह जो है आप कबूल कर लीजिए अच्छा अब आप देखें कि इबादत का ज़रा अंदाज़ देखिए हमारे प्यारे नबी सल्ला वसल्लम ने हमें सिखाया वज़ू एक इबादत है जब इंसान वज़ू करता है हर जब जिस जिस उज़ू को धोता है हाथ को मुंह को जी बाज़ों को तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों से उसको पाक करते हैं सिलाहुल सिलान मोमिन वज़ू जो है मोमन का असला है तो ये उसको जो है तैयार करता है लेकिन नबीरम सल्लाम ने दुआ सिखाई सुबह नकल्हबी हमद का अशद अल्लांत इला अस्त फिर वज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए अल्लाह की हमदना करनी चाहिए और इसको जो है ये समझना चाहिए अल्लाह जैसे वो करना चाहिए था मैंने नहीं किया अब आप इसको कबूल कर लीजिए इसी तरह नमाज़ एक मुकम्मल इबादत है मोमन की मेराज है लेकिन जब हम सलाम फेरते हैं तो उसके बाद जो है कहते हैं अल्लाह अकबर और तीन मरतबा कहते हैं अस्त फिर अस्त फिर अस्त फिर भाई हालांकि इबादत की है अस्त फिर क्यों कह रहे इसलिए कि भाई इबादत उस शान की तो नहीं कर सके है ना इसी तरह रमज़ान आएगा गुजर जाएगा लेकिन क्या हम रमज़ान को उस तरह से गुजार सकेंगे जैसे गुजारना चाहिए लेकिन हम चाहते इनाम तो हमें पूरा मिले जितना अल्लाह ने जितने भी रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने इनाम बनाए हैं आप सब जो सुन रहे हैं आप यकीन जानो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि सारा इनाम आपको भी मिल जाए भाई तो जब सारा इनाम चाहते हैं क्या हमने इतनी इबादत इतने अच्छे तरीके से की होगी कि नहीं की होगी जवाब है कि नहीं उतनी तो नहीं किया सर यानी ये एक बच्चा कहता है मुझे जो है सौ में से सौ नंबर मिल जाए लेकिन अगर उसका एफर्ट्स देखी जाए उसका पर्चा देखा जाए तो भाई हो सकता है चलो भाई एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट उसने कर लिया हो हंड्रेड परसेंट तो फिर भी नहीं था लेकिन वो चाहता है कि मुझे सौ फ़ीसद जो है ना इसका रिवार्ड मिल जाए तो भाई उसके लिए फिर क्या है इस कमी को पूरा करने का तरीका इस्तार है अल्लाह ताला से दुआ है और वो कबूलियत की फ़िक्र कहलाती है इसी तरह जो बंदा तहजद की नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं कानू कलील मिनल लेली माँ यह जून के सारी रात अल्लाह ताली की इबादत करते हैं और व बिलसहारी हम जस्त और सैरी के वक्त इस्तफार करते हैं हाँ है तो हमने इबादत करनी है और उसके साथ साथ इस्तार करना है इसी तरह हज एक बड़ी बड़त है बाद लोगों को तो ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा हज करने की शादत मिलती है नबी अकम सल्ला वसम भी हज पर तशीफ ले गए और योम अरफा जो रुकन आज़म है तो इस दिन जबकि शैतान जलील ख़्वार हो जाता है और अलहज अलरफा हज ही अरफा है जब नबी वसल्लम अरफा में पहुँचे आपने उस वक्त सहबा कराम से जो है अपना आपको प्रेजेंट किया कि क्या मैंने वो पैगाम तुम तक पहुँचा दिया जो अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया था सहाबा क़राम ने बिल्कुल गवाही दी एक लाख चौबीस हज़ार अदुल सहे सच्चे साहबा उन्होंने इस बात की जो है गवाही दे दी कि आपने अपना काम पूरा कर दिया लेकिन देखो जब अरफा ख़त्म होता है नबी सफ़ा की तरफ जा रहे हैं कुरान मजीद नाजिल होता है आफीजो मिन हईस अफ़ाजासो वस्तफ़िरल्ला इस वक्त भी इसतफ़ार करने का हुक्म दिया जा रहा है।, है जी कितनी बड़ी बात है कि हज जो है वो करके योम अरफा के बाद इसतग्फार वहाँ तो रो रो के दुआई मांगते हैं आप सब ने जो है बहुत सारे लोगों को चांस मिला होगा कि किस तरह दुआ मांगी जाती है सारा मजमा रो रो के दुआएं मांग रहा होता है लेकिन इतनी दुआएं मांगने के बाद भी अल्लाह फरमा रहे हैं अब अस्तवार करो अब दुआ मांगो अब फ़िक्र करो इसकी कबूलियत की तो भाई ये बात भी समझ में आ गई इससे बड़ी बात आपको मैं बताऊँ आप हैरान हो जाएंगे अल्लाह के नबी सतनी मुबारक ज़िंदगी है तकवे से भरी हुई है खशियत इलाही है महब्बत इलाही है और मासूम ज़िंदगी है गुनाहों से पाक है लेकिन अल्लाह ने उनको जो है इस अपनी आखिरी उम्र में जो सूरा नाजिल फ़रमाई रसुल्ल वलफत वरा तदन रफीदीन अल्लाह अफवाजा फ़सब हमद रब का वस्त फिर देखो जब सारे काम हो गए तो उस वक्त अल्लाह ताला ने यह सूरा नाजिल की कि इसबार करोशा फ़रमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लास इसके बाद सुबह का रब ना बिह हमद काम फिरली बड़ी कसरत से पढ़ा करते थे सुहान अल्लाह तो ये अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि जब कि जिंदगी इतनी पाकिज़ा और ये आखिर तो हम जो अब बूढ़े लोग हो गए सफ़ेद दाड़ियों वाले हैं कम अज़ कम अब तो हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि वो कस से इस्तार पढ़ा करें दुरुष पढ़ा करें क्योंकि दुरुष के सदके ही अल्लाह ताली हमारे ग्राहों को माफ फरमा देंगे बेड़ा पार हो जाएगा और फिर जब कभी भई नकियों के दिन आते हैं जैसे शब जुमा आती है और इसी तरह जुमा है और इसी तरह जो है ये मुबारक महीने और जो है इन में हमें ख़ास तौर पर इसतफ़ार की पाबंदी करनी चाहिए और जो है बंदे को नाज़ नहीं करना चाहिए अपने अमाल के ऊपर कोई तकबर नहीं करना चाहिए बल्कि जो है तकवे वालों का जो है अल्लाह ताला जो है आमाल को कबूल फ़रमाते हैं और हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए सैदना सदीक अकबर रज्ला को अपनी कबूलियत आमाल की फिक्र थी और इस वजह से खौफ खाते थे और कहते थे हाय काश के मेरी माँ ने मुझे जना होता यानी मेरा कोई वजूद ही ना होता है काश मैं किसी ममन के बदन का बाल होता हाय काश के मैं कोई परिंदा होता है काश के मैं कोई घास का तिनका होता ऐसे अलफाज कहते थे ऐसे गिड़गड़ाते थे अल्लाह के सामने रो रो के दुआएँ मांगा करते थे ये तो हजरत अब वकर का मामला है हमारा क्या मामला होना चाहिए हम हमें भी नहीं क्या करके ऐसे ही सोचना चाहिए कि अल्लाह कबूल कर लीजिए अल्लाह कबूल कर लीजिए तो भाई जो है अब रमज़ान की तैयारियाँ वेलकम टू रम़ान और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अपने आप को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अल्लाह ताला इसको कबूल मकबूल करे और जहाँ आप अपने लिए दुआएं मांगेंगे इस आजिज़ के लिए और इसके मुतालिकीन के लिए भी आप दुआएं करेंगे अल्लाह ताला हम सब तमाम मोमिनी मोमिनात की बख्शिश फरमा दे और सब के रमज़ान को कबूल फ़रमा ले आमीन व आखर नावानादिल् रबालमी